अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। इस साल का रमज़ान 30 रोज़ा का फाइनली गुजर चुका है। सऊदी अरब में ईद है, तो आप सभी दोस्तों को हमारे तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो इंडिया में तो कल ईद है, सऊदी अरब में आज ईद था, आज फाइनली ईद हो चुका है। हम लोग ईद का नमाज़ पढ़ के अभी वापस रूम पे जा रहा हूँ, अपने घर पे जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं पूरा दिखाने वाला हूँ यहाँ के ईदगाह के बारे में, एक ईदगाह में कितना आदमी अटता है, कैसे ईद का नमाज़ पढ़ाया जाता है, कैसे ईद का नमाज होता है, पूरा मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में हमारे साथ आप लोग एंड तक बने रहे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ईदगाह का नज़ारा, बेहतरीन नज़ारा। अभी सुबह का 5 बज रहा है ईदगाह में, तो अभी भी हम लोग ईदगाह पहुँचे हुए हैं, फिर भी हम लोग को कम से 4 सब पीछे का जगह मिला हुआ है। यहाँ पे अगर इस ईदगाह का बात किया जाए कितना ज़मीन में ईदगाह फैला हुआ है, तो कम से कम इस ईदगाह को देख के आप अंदाज़ा लगा के बता सकते हो मुझे कमेंट में, इस ईदगाह में एक बार में कितना आदमी नमाज अदा किया जा सकता है। लेकिन कम से कम 10,000 आदमी एक साथ में इस ईदगाह में नमाज पढ़ता है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा ईदगाह है ये। और इस ईदगाह में किसी के लिए टाइम का इंतज़ार नहीं किया जाता है, जैसे कि अभी सुबह का 5 बज रहा है, तो 6 बजे इस ईदगाह में ईद का नमाज का टाइम, ठीक 6 बजे का टाइम दिया गया है। तो अभी 5:30 हो रहा है, अभी भी आधा घंटा ईद के नमाज के लिए टाइम बचा हुआ है। आप लोग देख सकते हो इस ईदगाह में अभी भी 100% पे अभी 25% आदमी यहाँ पे अभी आ चुका है, 75% आदमी अभी भी बाकी है इस ईदगाह में आने के लिए। तो अभी भी आप पीछे की तरफ देख सकते हो कितना जगह खाली पड़ा हुआ है। इस ईदगाह में अभी भी आधा लोग भी इस ईदगाह में नहीं आया है। इस ईदगाह को फुल होने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कुछ अलग ही नज़ारा रहता है, क्योंकि अभी भी पीछे की तरफ देखोगे तो पूरा जो पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है, पूरा ईदगाह, आधा ईदगाह अभी भी खाली पड़ा हुआ है। बहुत सारे भाई को फजर के टाइम पे नमाज अदा करने का टाइम नहीं मिला, तो अभी ईदगाह में आके फजर के नमाज अदा कर रहे वो लोग भी यहाँ पे। और इस ईदगाह का ख़ास बात एक और है, जैसे ईद का नमाज यहाँ पे चालू हो जाता है उसके बावजूद ऊपर में हेलीकॉप्टर का नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से ऊपर में चक्कर लगाया जाता है सुरक्षा के लिए। और अब देख सकते हो अभी भी लाइट थोड़ा बहुत अभी तो बंद हो चुका है। यहाँ पे जो देख सकते हो सामने इमाम साहब यहाँ बैठ के नमाज अदा किया जाता है।